इसराइल और फिलिस्तीन का संकट हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए यह विवाद शुरू कैसे हुआ। हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ही छुपा है आज जो हो रहा है उसका सच। तो आइए इतिहास का एक अध्याय शुरू करते हैं। यह संकट दरअसल शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, करीब 3000 साल पुरानी बात, ईसा से 930 साल पहले। तब हमारे देश में मध्य वैदिक काल चल रहा था, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूं, यानी कि भगवान महावीर और बुद्ध से भी करीब 400 साल पुरानी घटना है। ओल्ड टेस्टमेंट या हिब्रू बाइबल के जेनेसिस में यह कहानी लिखी हुई। ओल्ड टेस्टमेंट को ऋग्वेद के बाद दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। कहानी का प्लॉट ईला या एला घाटी के पास रचा गया। यह इलाका आज के तेल अवीव के करीब है। कहानी कुछ यूं है कि एला घाटी के पास फिलिस्तीनी कबीले के लड़ाके जमा होते हैं और वो इसराइल के लड़ाकों को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों में से एक का नाम था गोलायथ। कुछ याद आ रहा है, अक्सर कॉरपोरेट लिंगों में ये बात सुनने को मिलती है। तो गोलायथ, जिसे एक काफी लंबा और तगड़ा आदमी बताया गया है, उसने इसराइल के लड़ाकों को चुनौती दी कि अगर उसके साथ युद्ध में इसराइल का कोई लड़ाका जीत जाता है तो फिलिस्तीन अपनी हार मान लेगा और इसराइल का गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइल को फिलिस्तीन की गुलामी माननी पड़ेगी। गोलायथ की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए 40 दिन तक इसराइल की तरफ से कोई आगे ही नहीं आया। फिर एक दिन डेविड नाम का एक चरवाहा, अब याद आया आपको कुछ, डेविड और गोलायथ, डेविड नाम का एक चरवाहा अपने भाई को युद्ध के मैदान में देखने आया। तो गोलायथ की इस चुनौती के आगे वो युद्ध के लिए तुरंत ही तैयार हो गया, लेकिन राजा की इजाजत के बिना वो युद्ध नहीं लड़ सकता था। उस समय इसराइल का राजा था साऊल, और डेविड ने राजा से युद्ध की अनुमति मांगी। पहले तो राजा ने यह सोचा कि अनुमति नहीं देते, ये छोटा सा लड़ाका ये क्या लड़ेगा, युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, गोलायथ इतना लंबा चौड़ा ये कैसे निपटेगा उससे। लेकिन फिर डेविड ने किसी तरह राजा को मना लिया। इसके बाद डेविड युद्ध के लिए एला घाटी पहुंचा। डेविड ने गोलायथ को जब युद्ध के लिए ललकारा तो गोलायथ ने उसका मजाक उड़ाया कि ये भला क्या लड़ पाएगा, हंसी ठठोला हुआ। लेकिन लड़ाई शुरू हुई ही थी कि खत्म हो गई। डेविड पत्थरबाजी में बेजोड़ था, उसने गुलेल जैसी एक चीज निकाली और गोलायथ पर निशाना लगाया और पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। गोलायथ सीधे जमीन पर आकर के गिरे। फिलिस्तीन के लड़ाकों में हाहाकार मच गया कि भाई हमारा इतना विशालकाय भीमाकार गोलायथ मारा गया एक अदने से डेविड से। यहीं से वो कहानी आती है, आज तक आप देखेंगे लोग कहते हैं डेविड वर्सेस गोलायथ स्टोरी। गोलायथ मारा गया और फिलिस्तीन के लड़ाके भाग खड़े। बाद में डेविड इसराइल के राजा भी बने और इसराइल के इतिहास में उन्हें महानतम राजा भी माना जाता है। अब इस कहानी को बताने का मकसद यह है कि आज से 3000 साल पहले भी इसराइल था, फिलिस्तीन भी था, और दोनों के बीच की दुश्मनी भी थी जो आज भी जारी है।